नमस्कार, आरोग्य विषय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ में है एक ऐसे डॉक्टर जिनके पिताश्री काफी पुराने डॉक्टर है, काफी प्रसिद्ध है, डॉक्टर दीपक किलकर। उनके जो सुपुत्र है वो है हमारे साथ में डॉक्टर अमोल किलकर, आज हमारे साथ में आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने ये क्षेत्र क्यों चुना? जैसे डॉक्टर तो पापा है ही, आप भी डॉक्टर ही बने, लेकिन पापा ने जो लिया विषय जो आपका करना है, तो आपने भी वो क्या इसके लिए कुछ विशेष रीजन था? बेसिकली मैं बता दूं कि मेरा जो विषय है वो साइकेट्री है जी। साइकेट्री एक ऐसा विषय है जो लोगों के मन के साथ डील करते हैं हम जी, और एक ऐसा विषय है जो बहुत ही डिफिकल्ट है जी। तो एक तो बैकग्राउंड वैसा था, बचपन से मैंने पेशेंट्स देखे हैं जी जी, उनसे डील किया है जी। और सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे पसंद था वो विषय, क्योंकि वो विषय से हम डायरेक्टली लोगों से डील कर सकते हैं, पब्लिक से बातचीत कर सकते हैं, उनके मन में क्या चालू है वो जान सकते हैं और उनपे इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो विषय चुना जी। डॉक्टर साहब, फिर आप अपने प्रैक्टिस में कौन कौन से जो बीमारियां हैं मानसिक, उनको आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम रोज जो प्रैक्टिस करते हैं जी, उसमें हम डिप्रेशन नाम की बीमारी है जी, जो बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं जी। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ऑलमोस्ट हर 5 या 6 लोगों में एक व्यक्ति को हो रही है जी। हमारे भी लाइफ में हम देखते हैं कि हमको डिप्रेशन आते रहता है और आगे जाके भी डिप्रेशन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बीमारी बनने वाली है, तो वो हम काफी रेगुलरली देखते हैं जी। दूसरा है स्किजोफ्रेनिया जी। स्किजोफ्रेनिया को हम हिंदी में बोल सकते हैं छिन्न मनस्कता जी जी। तो ये बीमारी भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली हो रही है। ये बीमारी को हम मन का कैंसर भी बोल सकते हैं जी, इतनी वो डेंजरस और इम्पोर्टेंट बीमारी है। इसके बाद हम एंग्जाइटी, जिसको हम चिंता रोग बोलते हैं जी, वो भी है, बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं जी। जैसे मन में टेंशन आना, चिंता होना जी, भविष्य में मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा जी, या छाती में धड़धड़ करना, टेंशन होना और अलग अलग निगेटिव या नकारात्मक विचार आना, उसको बोलते हैं एंग्जाइटी। तो हम ये भी बीमारी देखते हैं। साथ में हम भयगंड, जिसको फोबिया बोलते हैं, फोबिया मतलब छोटी छोटी चीजों का डर लगना जी, जैसे खून का डर या हाइट का डर या बंद कमरे का डर या चींटियों का डर, तो ऐसे बीमारी हम काफी देखते हैं। साथ में हम बहुत सारे आजकल जो युवा पीढ़ी आ रही है जिनको लैंगिक समस्याएं है जी, तो वैसे पेशेंट भी हम देख रहे हैं जी। साथ में जो नशा है, जैसे शराब का नशा, गांजा, सिगरेट, तंबाकू, ऐसे पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं जी। साथ ही में जो बच्चों की बीमारी है, आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बहुत अवेयर हो रहे हैं, जो बालक है वो बहुत ही अवेयर हो रहे हैं, उनको ध्यान में आ रहा है कि बच्चों को भी मानसिक बीमारियां, साइकेट्री की बीमारियां हो सकती है जी। तो उसी के कारण पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं, तो बच्चों की बीमारियों के साथ हम डील करते हैं जी, उनके प्रॉब्लम्स हम अच्छे करते हैं जी, तो वो हम देखते हैं। साथ ही में आजकल सिर दर्द की बहुत सारी बीमारियां आ रही है, बहुत सारे पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि हमें सर दर्द है, बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो जाते हैं और उनका सिर दर्द बैठता नहीं है, लेकिन फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उनका सिर दर्द अच्छा हो सकता है जी। साथ ही में हम नींद ना आना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आजकल इतना कॉम्पिटिटिव मतलब स्पर्धा जो है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है कि हम ये जो नींद ना आना ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है, तो हम ऐसे पेशेंट को भी देखते हैं। साथ ही में फिट के पेशेंट्स हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी बोल सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी हम देखते हैं, ऐसे रोग भी हम देखते हैं। डॉक्टर साहब, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो डिप्रेशन, दुनिया में एक नंबर पे अगर कोई बीमारी है तो वो है डिप्रेशन, क्योंकि शायद दुनिया का कोई ऐसा एकाधा ऐसा आदमी होगा, विरला ही होगा, जिसको कभी डिप्रेशन का शिकार हुआ ना हो या डिप्रेशन में ना हो। बराबर, तो आप डिप्रेशन का उपचार तो करती है, तो इसके लक्षण
क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के, क्योंकि मैं अगर भले ही सामान्य दिखाई दे रहा हूँ आपको, लेकिन कहीं ना कहीं तो भाई मेरे मन में ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो शायद मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं किसी को भी कि आने के बाद कि नहीं ये वास्तव में डिप्रेशन में है, किसका कम परिमाण में है, किसी का ज्यादा परिमाण, लेकिन डिप्रेशन में हर व्यक्ति है। तो इसमें डिप्रेशन के लक्षण क्या है और इस पर उपचार क्या है? जैसे आपने एकदम बराबर कहा कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है जी। डिप्रेशन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल हर 5 या 6 लोगों में डिप्रेशन किसी न किसी को है जी। उसका निदान करना, उनको ढूंढना कि किसको डिप्रेशन है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि डिप्रेशन 2 प्रकार के होता है जी। एक है एंडोजीनियस, मतलब जो अंदर के केमिकल्स है जी। वो कम ज्यादा हो गए तो डिप्रेशन हो सकता है जी। और दूसरा है रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब लोगों ने अगर टेंशन दिया जी, स्ट्रेस आने लगा जी, घर पे झंझट होना, झगड़े होना, पैसा नहीं है जी, उसकी वजह से जो डिप्रेशन आता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन जी। तो ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। दूसरी बात है कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है जी। तो जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि उदास लगना जी, नींद ना आना, बहुत ज्यादा टेंशन आना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापना होना, या वजन घटना, भूख न लगना, जो कामों में इंटरेस्ट है वो कामों में इंटरेस्ट न रहना, आत्महत्या के विचार आना, नकारात्मक विचार आना, ऐसा लगना कि मैं कहीं छोड़ के चले जाऊं सब कुछ, अकेले बैठे रहूं, काम पे न जाऊं, बच्चों से झगड़ा करूं, तो ये जो लक्षण है ये डिप्रेशन के लक्षण है। अब डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, वो किसी को भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन का निदान करना, मतलब उसका डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट देना जी। तो आजकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी अच्छी अच्छी नई दवाई आ रही है जिसको एंटी डिप्रेशंस बोलते हैं। एंटी डिप्रेशंस देकर वो पेशेंट की जो बीमारी है, जो डिप्रेशन है, जिसको हम उदासीनता या निराशा भी बोल सकते हैं, वो हम दूर कर सकते हैं दवाइयों से। साथ में ही हम काउंसिलिंग करते हैं पेशेंट्स का। काउंसिलिंग मतलब पेशेंट्स की जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार सरणी है जी, उसको बदलना, उसको नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार की तरफ लेके जाना, तो वो हम करते हैं। और उसके ऊपर है ईसीटी ट्रीटमेंट। ईसीटी मतलब जो हमारी भाषा में जिसको हम करंट उपचार या शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो एक्चुअली डेंजरस नहीं है, लोगों में ऐसा डर पैदा हो गया है जी, तो हम ईसीटी भी देते हैं। तो ये सभी ट्रीटमेंट का मिक्सचर देके पेशेंट का जो डिप्रेशन है वो हम पूरी तरह दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने शॉक थेरेपी बताया था, तो जो फिल्मों में बताते थे उसके कारण लोगों में गलत भावना फैल गई कि शॉक, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। नहीं, तो मैं मतलब हमारा वो काम ही है कि लोगों में अवेयरनेस करना। जो बहुत सारे अच्छे अच्छे अपर मिडिल क्लास लोग भी हमारे पास आते हैं, जो जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो आते ही है, अपर मिडिल क्लास लोग भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को ईसीटी मत दो, पेशेंट खराब हो जाएगा, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। लेकिन हमारा वो काम ही है अवेयरनेस करना लोगों में कि ईसीटी बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ईसीटी से कुछ भी नहीं होता। जो पिक्चर में बताते हैं कि पेशेंट को पकड़कर उनको झटके देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ईसीटी तभी देते हैं जब एक्चुअली उसकी जरूरत है, तो ही हम ईसीटी देते हैं। ईसीटी में क्या होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं। एनेस्थेशिया मतलब बधिरीकरण जी, जिसको जिससे पेशेंट आराम से सोता है जी। पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता कि हम उसको ईसीटी दे रहे हैं जी। और बाद में हम एकदम पॉइंट जी 1 मिलीसेकंड्स के लिए हम उनको करंट देते हैं मेंदु को जी। जिससे जो केमिकल्स बिगड़ गए हैं वो केमिकल्स जो तरंगे हैं जो एग्जैक्टली गड़बड़ हो गई है, तो उसको एग्जैक्टली जो केमिकल्स बिगड़ गए हैं, जो करंट बराबर फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम बराबर करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे पेशेंट अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी और बताई थी जब आप उपचार का बता रहे थे, तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसके लक्षण क्या है और हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं? जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को हम हिंदी में बोलते हैं छिन्न मनस्कता जी, मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी जी। बहुत सारे पिक्चरों में भी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में काफी जानकारी दी है, लेकिन वो इतनी अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं दी है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मैंने बताया कि माइंड का कैंसर है, इतनी वो डेंजरस बीमारी है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है जी। हमारे आसपास भी किसी को भी वो बीमारी हो सकती है जी। तो जैसे मैंने बताया कि उसका डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, वो ढूंढना इम्पोर्टेंट है कि स्किज़ोफ्रेनिया में होता क्या है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि पेशेंट का जो रियलिटी चेक है जी, कि जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जजमेंट है, वो सब चले जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को डर लगने लगता है जी।
पेशेंट को ये महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई लग रहा है, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं, वो अकेले में बड़बड़ाने लगता है, उसको कानों में आवाज आने लगते हैं, उसको भास तैयार होता है, उसको लगता है कि मेरे जो आजू बाजू हो रहा है वो सब मेरे ऊपर या मेरे खिलाफ हो रहे हैं। पेशेंट अकेले में बैठना चालू करता है, पेशेंट का खाना पीना सब बंद हो जाता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, पेशेंट घूमने लगता है, वो ज्यादा सेवन करने लगता है, शराब का सेवन बोलो या दारू का सिगरेट का सेवन बोलो वो चालू करने लगता है। तो ऐसे लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया में दिखते हैं। साथ ही में चिड़चिड़ापना होना, काम धंधा बंद कर देना, अकेले अकेले बैठना, दरवाजा बंद कर देना, या बिल्कुल चुपचाप बैठना, ऐसा मन में विचार ऐसे आते हैं कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, ऐसे ऐसे टाइप के विचार आना भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है। एकदम बराबर डॉक्टर साहब, इसका फिर निदान क्या कैसा कर सकते हैं? सबसे पहले तो समझना पड़ता उसकी बीमारी को कि कहाँ तक। अच्छा डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया का जो इसमें भी कुछ वो है क्या, कम ज्यादा ऐसा कुछ? स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा ग्रेड नहीं होते कि कम या ज्यादा, स्किज़ोफ्रेनिया का बढ़ते जाते समय के साथ। हाँ, मतलब अगर स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट बराबर किया नहीं तो वो फिर ऐसी बीमारी वो लेवल तक पहुंच जाती है, इतने सीरियस लेवल तक पहुंच जाती है कि उसका ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हम मलेरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तपास कर सकते हैं, या शुगर को, डायबिटीज को तपास कर सकते हैं, वैसे स्किज़ोफ्रेनिया का कोई तपास नहीं है। तो उससे हमको ये ध्यान में नहीं आता कि इतना स्किज़ोफ्रेनिया या इतना कम है, तो उसको हिस्ट्री से, मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं, नातेवाइक हैं, उनसे बात करके, पेशेंट से बात करके हमको ये पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिया कितना लेवल तक पहुंच गया है, और फिर उससे डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में दवाइयां, काउंसिलिंग, और जैसे मैंने पहले ही बताया ईसीटी देकर पेशेंट की जो बीमारी है वो हम दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आनुवंशिक है क्या? हाँ बिल्कुल, स्किज़ोफ्रेनिया जो सभी मेंटल जो मानसिक बीमारियां है वो आनुवंशिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेरेंट्स को हुआ है या माँ बाप को हुआ है तो वो हो ही होने ही वाला है, ऐसा इसका मतलब नहीं है, पर उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब अगर मम्मी पापा को अगर ये बीमारियां है तो ये बीमारियां बच्चों में उतरने के चांसेस ज्यादा है। डॉक्टर साहब, जैसे व्यसन का भी आप काफी काम करते हैं, तो ये व्यसन भी एक कोई मानसिक रोग है? हाँ, बहुत सारे व्यसन, जैसे आजकल शराब, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, ऐसे बहुत सारे व्यसन हमारे आजू बाजू आजकल दिखते हैं। शराब पीना भी एक प्रकार का मानसिक बीमारी ही है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि लोग शराब पीते हैं मजे के लिए, कि हमको मजा आ रही है, या दुख भुलाना है, या ब्रेकअप हो गया इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ, या मैं पैसे कमा रहा हूँ इसलिए शराब पी रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है कि शराब पर कंट्रोल, कि शराब पीने का जो अमाउंट है, कंट्रोल है, वो कोई भी व्यक्ति का निकल जाता है। उसके कारण पेशेंट शराब पीने की जो संख्या है, मात्रा है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और फिर वो एक मानसिक बीमारी के रूप में उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि शुरू में शराब पीने से जो परफॉर्मेंस है पेशेंट का, व्यक्ति का, वो बढ़ने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका इफेक्ट पूरे शरीर पे दिखने लगता है। उससे शराब से मानसिक बीमारियां हो सकती है, जैसे पेशेंट का बर्ताव जो है वो बदल जाता है, बच्चों के प्रति, बीवी के प्रति, वो बीवी के ऊपर शक करने लगता है, मारा मारी करता है, घर की चीजें बेचने लगता है, या डिप्रेशन में जा सकता है, तो वो एक प्रकार का है। और दूसरा है शारीरिक बीमारियां, दारू से, शराब से बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर होना, लीवर का कैंसर होना, चमड़ी खराब होना, लैंगिक समस्याएं निर्माण होना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, लंग्स का प्रॉब्लम होना, ऐसे अलग 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 प्रकार की बीमारियां शराब से होती है। डॉक्टर साहब, इस पे कुछ उपचार? हाँ बिल्कुल, शराब का सबसे इम्पोर्टेंट उपचार है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब पेशेंट को भर्ती करना। सबसे पहले जब हम पेशेंट को भर्ती करते हैं तब होता क्या है कि पेशेंट को तकलीफ जाती है दारू छुड़ाने में, इसलिए हम पेशेंट को सलाइन देते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देते हैं, और अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं, जिससे पेशेंट शांत हो जाता है। और बाद में एक बार 4 या 5 दिन निकल गए, उसके बाद हम अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं जिससे पेशेंट को नशा से मुक्ति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई हम देते हैं वो है डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम एक ऐसी दवाई है जिससे दारू पीने की या शराब पीने की इच्छा नहीं होती, और यदि पेशेंट वो दवाई पे दारू पीता है तो उसको तकलीफ होने लगती है, उसको रिएक्शन आती है, और वो डर के कारण, वो रिएक्शन के कारण पेशेंट शराब पीना छोड़ देता है। साथ ही में हम शराब पीने वाले पेशेंट की काउंसिलिंग करते हैं,
उनसे चर्चा करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम है दारू पीने के वो उनको बताते हैं, उनका सम्मोहन करते हैं, उनका हिप्नोटिज्म करते हैं, तो उसके कारण पेशेंट दारू पीना या शराब पीना छोड़ देता है। साथ ही में अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप है, जो ग्रुप अकोला में फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप में जो लोगों ने शराब छोड़ी है वो लोग आते हैं और उनकी जो एक्सपीरियंसेस है कि दारू छोड़ने का फायदा क्या है वो डिस्कस करते हैं, और जो लोग दारू पी रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि दारू छोड़ने के फायदे क्या है और उनके कारण पेशेंट मोटिवेट होकर दारू छोड़ देता है। उसके दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, व्यक्ति अगर छोड़ना चाहे कोई तो उसके दृढ़ दवाई तो काम करती है, लेकिन अगर खुद के मन में अगर इच्छा हो तो दृढ़ शक्ति भी उसमें काम कर सकती है। हाँ, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम पेशेंट को बताते हैं कि हम हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका काम है कि जो विल पावर है हमारी वो अच्छी रखना और भगवान पे भरोसा रखना, और उससे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि अगर बीवी बच्चे माँ बाप सपोर्ट देंगे तो जितना अच्छा सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, उतनी जल्दी शराब छूट सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, आप ऐसे व्यसन को आप दूर करने की सलाह देते हो, तो आप उस निर्णय को किस नजरिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से ये निर्णय बहुत अच्छा है जी। जैसे हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है वो सर आंखों पर, और उनको हम प्रमोट करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं, तो जो भी निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है और हम उसको ही प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी इतने बीमारी के बारे में बताया, एक फीट की बीमारी जो है जिसे हम मिर्गी, हिंदी में मिर्गी कहते हैं, कहीं पर भी आ जाना, तो ये भी एक अनुवांशिक है क्या, ये भी आप बताइए, और इसके उपचार इस पर क्या कर सकते हैं आप, वो बताइए। देखिए, फिट को हम एपिलेप्सी बोलते हैं, अपस्मार या मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, ये भी अनुवांशिक है, पर जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो सभी बच्चों में आएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि फिट ये कभी भी आ सकती है जी। जैसे कोई अगर गाड़ी चला रहा है या खाना पका रहा है या स्विमिंग कर रहा है या बच्चों के साथ खेल रहा है तो उसको फिट आ सकती है या एपिलेप्सी आ सकती है, जन्मजात होती है डॉक्टर साहब। कुछ लोगों को जन्मजात होती है, कुछ लोगों को बाकी धीरे धीरे भी हो सकती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हो सकती है, तो उसमें डायग्नोसिस करना या निदान करना इम्पोर्टेंट है कि ये जन्मजात है या कुछ फैक्टर्स से वो हो रही है। तो फिट में होता क्या है कि पेशेंट के को झटके आने लगते हैं, हाथ झटके आने लगते हैं, मुंह से फेस आने लगता है, आंखें ऊपर जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। 10-15 मिनट के लिए पेशेंट बेहोश हो जाता है। ऐसे वक्त पेशेंट को कांधा सूंघाना या चप्पल सूंघाना, तो ये सब गलत है जी। इससे पेशेंट की जो बीमारी है वो दूर नहीं होती जी। ये सब छोटे छोटे गांव में इसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसमें भी हम अवेयर कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को जगाना, पेशेंट को दवाइयां स्टार्ट करना, जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स है, पेशेंट को अलग अलग प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक्स देना, उनको अच्छा करना। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी दवाई जब हम स्टार्ट करते हैं फिट की या एपिलेप्सी की, तो इसमें 3 साल दवाई लेना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर 3 साल पेशेंट दवाई लेता है तो फिर पेशेंट को फिर से मिर्गी आना के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और उसमें और इम्पोर्टेंट ये है कि हर बार जब फिट आती है पेशेंट को, तो हर बार फिट आने के कारण पेशेंट की जो मेंदू है, जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसीलिए फिट आना या उसको रोकना ये अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसे आप मानसिक उपचार तज्ञ तो है ही, साथ में लैंगिक समस्या के विशेषज्ञ भी है, तो किस प्रकार की लैंगिक समस्या आम है और ज्यादा परमाणु दिखाई देती है? आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो यूथ है, जो नव युवक लोग है, उनको ये अवेयरनेस हो रहा है कि लैंगिक समस्या को हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो बिना टेंशन के, बिना दोस्तों को पूछे वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग एक मेक को पूछते थे, दोस्तों को पूछते थे, गलत इन्फॉर्मेशन लेते थे और फिर जिंदगी भर रोते रहते थे। डॉक्टर साहब, ये बीमारी भी एक ऐसी है जिसको हम डिस्कस करने में भी शर्माते हैं और घर वालों से भी खुलकर बात करने में घबराते हैं, डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो डॉक्टर क्या समझेंगे। इस कारण वो बीमारी भी जो छोटी है, जो 1-2 दिन में 10 दिन में हल होने वाली थी, वो लंबी हो जाती है। एकदम बराबर है, जैसे आपने एकदम सही कहा कि लोग शर्माते हैं और शर्माने के कारण क्या होता है कि उनका जो पूरा लाइफ है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बीवी ना खुश, मम्मी पापा ना खुश,
बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं जो बोलते हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ये समस्या है। बाद में काउंसिलिंग करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली उसको कुछ समस्या है ही। तो लैंगिक समस्याओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि नपुंसकता जी। बहुत सारे पेशेंट्स का ये प्रॉब्लम है नपुंसकता का। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनसे काउंसिलिंग करते हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, तो वो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह चला जाता है जी। दूसरा प्रॉब्लम है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन मतलब अपने पार्टनर को और खुद को 100% सेटिस्फेक्शन न मिलना। जब वो रिलेशनशिप रखते हैं तब उनको 100% सेटिस्फेक्शन न मिलना, उसको बोलते हैं शीघ्र पतन जी। तो शीघ्र पतन भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारा टेंशन अगर पेशेंट को है तो उससे शीघ्र पतन हो सकता है जी। तो ऐसे पेशेंट्स में भी काउंसिलिंग इम्पोर्टेंट है, उनसे बातचीत करना, चर्चा करना, उनको ट्रीटमेंट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। साथ में ही बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे हस्तमैथुन करना, जिसको मास्टरबेशन बोलते हैं, हस्तमैथुन करने की मेरे को बीमारी है और उसके कारण मुझे कमजोरी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे सिर पर टेंशन आता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम काउंसिलिंग करते हैं। साथ में बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि जब मैं सोता हूं तो मुझे स्वप्न दोष होता है जी। मुझे मेरे लिंग से वीर्य निकल जाता है, या फोन पे बात करते समय या टॉयलेट करते समय वीर्य निकल जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम, और उनको ये लगता है कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, उससे मेरे को टेंशन आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स से भी हम काउंसिलिंग करते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, उनको हम बताते हैं अलग अलग तरीके टेंशन कम करने के, और हम उनको अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं। तो दवाइयों से काउंसिलिंग करके पेशेंट का जो टेंशन है, जो मानसिक स्ट्रेस आ गया है, उसको हम पूरी तरह दूर करते हैं और पेशेंट्स की जो लैंगिक समस्या है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी इंटरनेट का प्रमाण काफी बढ़ गया है, इसमें मोबाइल में भी अब व्हाट्सएप वगैरह के जरिए जो अश्लील वीडियोज रहते हैं, जो आते हैं ब्लू फिल्म जिसे हम कहते हैं, तो उसका क्या परिणाम हो रहा है युवा पीढ़ी के ऊपर खास करके? क्योंकि आप एज अ लैंगिक विशेषज्ञ हैं, आपके यहाँ पर ऐसे पेशेंट आते होंगे, आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे नवयुवक हमारे यहाँ आते हैं जो बोलते हैं कि हम पॉर्न साइट्स देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, फेसबुक पे प्यार हो गया, व्हाट्सएप पे प्यार हो गया, इंटरनेट देखने के मेरे को आदि हो गया। तो हम उनको सबसे पहले उनका टेंशन कम करते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि पॉर्न देखना, व्हाट्सएप पे बैठना, ये गलत नहीं है, पर इसको एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घंटों बैठे हैं हम देख रहे हैं और उसी में हमारा ध्यान है, तो ये करना गलत है। थोड़ा अगर समय हमने उसको दिया कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंटरनेट पे दिया तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को काउंसिलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो टेंशन है उनके ऊपर आ गया है, पेरेंट्स के ऊपर टेंशन आ गया है, बच्चों के ऊपर टेंशन आ गया है, वो दूर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हमको आगे करना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही जो आजकल जो प्यार बढ़ रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो उनको रियलिटी चेक देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली फैक्ट क्या है और वो कर क्या रहे हैं, तो वो देना बहुत ही जरूरी है। और साथ में ही अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा टेंशन है तो ऐसे लोगों को हम दवाइयां भी देते हैं जिससे पेशेंट का टेंशन, जो स्ट्रेस है, वो कम हो सकता है और फिर पेशेंट रिलैक्स हो सकता है, लोग रिलैक्स। इसी संबंध में एक आपसे और प्रश्न पूछना चाहूंगा, हालांकि प्रश्न तो काफी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आजकल समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में लिंग वृद्धि के तेल या फिर ऐसी कुछ गोलियां या ऐसी यंत्र काफी प्रचार किया जाता है, और जो लोग अपने में हीन भावना लेकर रहते हैं तो वो उनको पढ़ने के बाद उन पर काफी विश्वास होता है और वो मंगाते भी है, कुछ उसमें फंसते हैं। तो आप एज अ सेक्स रोग विशेषज्ञ के इस जो भ्रामक विज्ञापन है उसको आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम इस पे विश्वास नहीं करते जी। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमने ये मशीन यूज किया, हमने ये तेल वापरा और लिंगवर्धक टॉनिक हमको दिया जी। तो हम इस पे विश्वास नहीं करते जी। हम जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, हम उनको समझाते हैं कि कोई भी यंत्र इस्तेमाल करके या कोई भी टॉनिक यूज करके ज्यादा फायदा होता नहीं। टेम्पररी कुछ हद तक उनको फायदा हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ज्यादा देर तक उसका फायदा होता नहीं। हम उसको प्रमोट करते नहीं, हम किसी को भी बोलते नहीं कि वो लो, वो इस्तेमाल करो जी। बेसिकली ये बिलीफ है, उनका विश्वास है वो लोगों पे, इसलिए वो पेशेंट उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट को काउंसिलिंग किया अच्छी से, उनको बताया कि ये मशीन लेना गलत है, ये टॉनिक यूज करना गलत है,
तो पेशेंट वो करना छोड़ देते हैं और फिर उनका विश्वास जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स है उस पे आता है। जो भी ये लोग जो ढोंगी बाबा है जो मशीन बेचते हैं और अलग अलग एड हम देखते हैं तो उनका जो मेन जो इंटेंशन है जो मेन उनका लक्ष्य है वो पैसे कमाना और लोगों को मूर्ख बनाना। जी तो हम ऐसा नहीं करते क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमारा काम है कि साइंटिफिकली लोगों तक नॉलेज पहुंचाना उनको अवेयरनेस देना तो हम उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते और उनको हम उसके पीछे लॉजिक बताते हैं कि ये मशीन यूज करना क्यों हानिकारक है जी ये हम पेशेंट को बताते हैं। डॉक्टर साहब हम तो अभी तक तो जो भी हमने बातें की प्रश्न पूछे वो सब बड़ों के लिए पूछे, क्या बच्चों में भी ऐसी प्रकार की बीमारी होती है मानसिक जैसा बड़ों में होती है वैसी? आजकल जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स बहुत ही अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स को ध्यान में आ रहा है कि बच्चों को भी मानसिक बीमारियां हो सकती है। क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रही है जी, मीडिया सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत बढ़ रहा है जी, तो ये कंपटीशन के कारण पढ़ाई के कारण दोस्तों का प्रेशर जी, या इम्प्रेशन मारने के चक्कर में या पेरेंट्स का प्रेशर उसके वजह से बच्चों की जो मानसिक बीमारी है वो बहुत बढ़ रही है जी। बहुत सारे बच्चे आजकल हमारे आते हैं जो बहुत टेंशन में हैं, जो उदास रहते हैं अकेले में रोते रहते हैं, उनको भास होने लगते हैं, उनको टेंशन आने लगता है, पढ़ाई का टेंशन या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया इसलिए टेंशन या फेसबुक का टेंशन, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर। साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता जी, मतलब उनका बाकी सब चीजों में मन लगता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई के वक्त वो मस्ती करने लगते हैं, खेलकूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे आते हैं। साथ में ही बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम है, बिहेवियरल मतलब उनका जो बर्ताव है बड़ों के प्रति अपने दोस्तों के प्रति भाई बहन के प्रति वो गलत है, उनका बर्ताव रहता है मारा मारी करना, सब तोड़फोड़ करना, मोबाइल फेंकना, अलग अलग डिमांड्स करना, तो ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे रात को कपड़ों में पेशाब करते हैं तो ऐसे भी हम बच्चों को हम देखते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारियां तो होती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स की काउंसिलिंग करना जी, जो पालक है उनकी काउंसिलिंग करना, क्योंकि होता क्या है हम बच्चों को कुछ भी बताए लेकिन उनका जो मेजर इन्फ्लुएंस है जी, जो मेजर प्रभाव उनपे पड़ता है वो है पेरेंट्स, तो ऐसे वक्त पालक का जो काउंसिलिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको ये बताना जरूरी है कि बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, बच्चों पे टेंशन मत डालिए। हम अलग अलग प्रकार की टेस्ट करते हैं जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इमोशनल क्वोशेंट, आईक्यू क्वोशेंट, तो ऐसे अलग अलग टेस्ट से हमको मालूम पड़ता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कौन सी चीज में है, बच्चों के लिए क्या संभव है क्या संभव नहीं है वो हम ढूंढते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन हम लाते हैं और बच्चों का और पेरेंट्स का काउंसिलिंग करके अगर उनको छोटी डोजेस में हमने दवाइयां दिया तो बच्चे अच्छे हो सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस जो है पढ़ाई में बाकी के क्षेत्र में वो अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब जैसे भूत बाधा होना, शरीर में देवी आना और भानामती के प्रकार, ये सब क्या है? देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, छोटे छोटे गांव में अंधश्रद्धा आज भी प्रेवलेंट है, बहुत सारे ढोंगी बाबा है, बहुत सारे महाराज लोग हैं जो जो ऐसा क्लेम करते हैं, जो बोलते हैं कि पेशेंट को भानामती आ गई है, पेशेंट को किसी के अंदर कोई देवी आ गई है और फिर हम उनको अच्छा करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। क्या होता है कि शुरू में इसमें बताया कि टेम्पररीली पेशेंट को उससे फायदा हो सकता है क्योंकि पेशेंट को वो महाराज पे वो ढोंगी बाबा पे विश्वास रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है जी। तो हम शुरू में हम ऐसा पेशेंट को ये बताते नहीं है कि ये गलत है या आप जाओ मत, हम बोलते हैं कि हम क्योंकि उनका विश्वास है जी। तो हम उनको बोलते हैं कि आप उनके पास भी जाओ लेकिन हमारा भी जो साइंटिफिक प्रोसीजर है हमारी जो पद्धत है उसको आप इस्तेमाल करो, हमारी दवाइयां लो, हमसे ट्रीटमेंट लो, काउंसिलिंग लो, तो उससे पेशेंट ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ में अलग अलग प्रकार की टेंशन होती है, जैसे सासू का टेंशन, सास का टेंशन, पति का टेंशन, बच्चों का टेंशन, उस टेंशन के वजह से पेशेंट को अलग अलग प्रकार की प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे देवी अंदर आना या भानामती होना, ऐसे प्रकार के टेंशन पेशेंट के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं कि भूत आ गया या देवी आ गई, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, साइंटिफिकली हम उसमें बिलीव नहीं करते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट का काउंसलिंग करना, पेशेंट का मन की बात समझ लेना,
पेशेंट के अंदर क्या टेंशन है, वो क्या डील करना है वो समझना, और फिर उनको दवाइयां देना, उससे पेशेंट अच्छा हो सकता है और उनका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने बड़ों की भी बात की, बच्चों की भी बात की, कब क्या जो वृद्धा जो लोग होते हैं, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है तो बोलते हैं कि स्मृति कम होती जा रही, आंखों से सुनाई कम दे रहा, तो उनमें भी कुछ मानसिक रोग हो सकते हैं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम वो लोगों पे फोकस करना भूल जाते हैं। हमको लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं 60-65-70 साल के बाद उनको मानसिक बीमारियां होती नहीं है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हमने स्टडी किया तो हमको ये ध्यान में आया कि जो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मानसिक बीमारियां बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। हमारे माँ बाप है जो बूढ़े हैं तो लोग उनपे ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो लोगों में टेंशन बढ़ने लगता है, चिड़चिड़पना महसूस करने लगते हैं, फिर इसके कारण हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनको लगता है कि हमको इग्नोर कर रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, चिड़चिड़पना करने लगते हैं, उनको डर लगने लगता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा में जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और जैसे आपने बताया स्मृति जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, जिसको स्मृति भ्रंश बोलते हैं। डिमेंशिया में क्या होता है कि जो लोग हैं उनकी स्मृति ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनकी स्मृति धीरे धीरे जाने लगती है, जिससे डिमेंशिया होता है। और डिमेंशिया जाने के कारण क्या होता है कि उनका जजमेंट चले जाता है, कैसा बर्ताव करना, क्या सोचना, क्या पहनना, क्या खाऊ क्या नहीं खाऊ, ये उनको ध्यान में नहीं आता। उनको वार कौन सा चालू है, दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, वो भूलने लगते हैं, वो छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, खुद का नाम भूलने लगते हैं, खुद का नंबर भूलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को डायग्नोसिस करना, निदान करना कि उनका डिमेंशिया है, उनको ये ढूंढना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। आजकल अलग अलग प्रकार के रिहैब सेंटर्स खुलने लगे हैं। रिहैब सेंटर में शराब के पेशेंट्स के साथ साथ हम ऐसे डेमेंशिया के पेशेंट्स को भी रखते हैं जिनको कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रखकर उनको दवाइयां देते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि उनका टेंशन कम हो। अगर उनका ऐसे लोगों का टेंशन अगर कम किया तो पेशेंट की आधी बीमारी चले जाती है, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि हमारे तरफ भी ध्यान देने वाला कोई लोग है, हमको समझने वाले कोई लोग है, तो उनका टेंशन कम हो जाता है। और साथ में ही हम उनको दवाइयां देते हैं, तो ऐसी बीमारियां जो वयोवृद्ध लोग हैं उनमें हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है कि हमने बचपन से सम्मोहन का नाम सुना है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म आ गया तो हम जादूगर की कल्पना करते हैं कि आपको सम्मोहित करके सब काम करते हैं। तो हमने भी आप सुना है कि आपके में सम्मोहन उपचार होता है, तो सम्मोहन उपचार कैसा है? देखिये, कैसा है कि सम्मोहन उपचार को हम बोलते हैं हिप्नोटिज्म। दो प्रकार के मन होते हैं, एक बाह्य मन होता है एक्सटर्नल, और एक इंटरनल मन होता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अंतर मन बोलते हैं। अब हो क्या रहा है कि अंतर मन में अलग अलग प्रकार के निगेटिव विचार चालू है, ये मैं कर नहीं सकता, या मेरे में ये वो पॉसिबल नहीं है, या अलग अलग प्रकार के गंदे विचार आना, निगेटिव विचार आना। तो हम सम्मोहन में क्या करते हैं कि पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, उसका शरीर शिथिल करते हैं, और जो अंतर मन में जो निगेटिव विचार तैयार हो गए हैं उसको हम बाहर निकाल के पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हम सीख गए या दो दिन में सीख गए, ये बार बार लगातार प्रैक्टिस करके, विजुअलाइज करके। मतलब क्या होता है कि जब हम रिलैक्स करते हैं पेशेंट को, तब हम बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करो, उसका चित्र अपने आंखों के सामने तैयार करो, ऐसा चित्र कि आपको जो चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलाना है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मेरे को सब जम रहा है, ऐसे चित्र खुद के ब्रेन के सामने निर्माण करो और उसके बारे में सोचो, जिससे जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक विचार कन्वर्ट हो जाते हैं सकारात्मक विचार में, और धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करके पेशेंट को रिलैक्स लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और पेशेंट में फिर इंप्रूवमेंट होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी हम बहुत देखते हैं, उनको सम्मोहन उपचार करते हैं, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और उससे पेशेंट अच्छा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और कई जो हमारे जो दर्शक है जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आशा है उनके दिमाग में भी जो उथल पुथल चल रही होंगी आपके जवाब से काफी उन्हें राहत मिली होंगी। आपको हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हम फिर मिलेंगे हेलो डॉक्टर में एक नए डॉक्टर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।